Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about care of adenium on terrace in monsoon for beginners. तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगनर हो और आपने अडेनियम के प्लांट्स को अभी लगाना शुरू किया है और आपको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको इन्हें मॉनसून सीजन में अंदर रखना है कि खुले टेरेस पे रखना है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अडेनियम का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा जो अच्छी फ्लावरिंग होती है वो स्पेशली मॉनसून से लेकर टिल आपका ऑटम सीजन में बहुत अच्छे से करता है। इवन जो इसकी हैवी फ्लावरिंग होती है आप अक्टूबर के मंथ में देखिएगा, आपका पूरा का पूरा प्लांट जो होगा वो फूलों से लदा रहेगा। और ये मॉनसून के समय की आप फ्लावरिंग देख सकते हो कि मॉनसून में भी लास्ट ईयर इसमें इसी तरीके से फ्लावरिंग हो रही थी। अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करोगे फ्रेंड्स, तो आपके ये जो प्लांट होते हैं, देखिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक दिमाग में कन्फ्यूजन भी रहता है अगर आप स्पेशली बिगनर हो कि आपको अपने प्लांट्स को ओपन टेरिस पर रखना है या फिर आपको इनको शेड में रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अडेनियम के प्लांट्स को कभी किसी मौसम में आपको कहीं शिफ्ट नहीं करना है, आपको इनको ओपन टेरेस में रखना है। बस कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, तो सबसे पहली जो टिप आपको फॉलो करनी होगी वो ये होती है कि जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होता है या फिर बारिश शुरू हो जाती है, उससे पहले भी और बारिश जब हो रही हो उसके दौरान भी आपको अपने प्लांट्स में ये चेक करना है कि कहीं पे वीड वगैरह तो नहीं निकल रही है। अगर वीड निकल रही है तो उसको तुरंत का तुरंत रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वीड अगर लगी रहेगी फ्रेंड तो बारिश का पानी और जाकर जो वीड के ऊपर भी इसकी जो रेन ड्रॉपलेट्स होती है वो लंबे टाइम तक के लिए पड़ी रहती हैं और इन रिटर्न आपके ये प्लांट को मॉइस्चर लंबे टाइम तक के लिए देता रहेगा, प्लस आपके प्लांट्स का न्यूट्रिएंट भी लेती रहेगी। और फिर जब बारिश के समय में धूप निकलती है, अच्छी जो खुली धूप निकलती है, वो भी आपके प्लांट्स की रूट्स को नहीं मिल पाएगी, इसके कोडेक्स को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो भी वीड वगैरह निकली हो उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए अगर आप एक बिगनर हो। ये काम आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब लगातार बारिश हो रही हो और आपके प्लांट्स ओपन टेरेस पर रखे हो और आपके पास वक्त नहीं है कि आप बार बार अपने प्लांट्स को टाइम दे सको, जाकर डेली आप इस पर वॉच कर सको, तो आप इस तरीके के जो बड़े स्टोन्स होते हैं, ये फ्रेंड जो आप स्टोन देख रहे हो ये मैंने कोई ख़रीदा नहीं है, ये मुझे मोरंग जो होती है कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होती है उसी में फ्रेंड्स मेरे यहाँ काम चल रहा था तो निकल आई थी, इस वजह से मैंने इनको रख लिया। और मैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो मेरे थाली वाले पॉट्स हैं उनमें मैंने कुछ अडेनियम के प्लांट्स को लगाया था। तो एक तो ये ऑर्नामेंटल लुक भी क्रिएट करते हैं, इसके साथ साथ जो एक्सेस वाटर होता है इन पत्थर की रखने की वजह से नीचे जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। तो बिगनर हैं तो आप ये काम कर सकते हो कि आप इस तरीके से जो बड़े पत्थर हों उनको रख लीजिए, जो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स आते हैं पत्थरों के, आप उसको भी रख सकते हो, देखने में भी तो बहुत खूबसूरत से लगेंगे, प्लस आपके प्लांट्स को ये मॉनसून का जो में जो लगातार बारिश होती है उनसे भी बचा ले जाते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड समय है तो आप ना भी रखो, बस आपको काम ये करना होगा कि जैसे ही आपको चेक करते रहना होगा कि पॉट में पानी ठहरना नहीं चाहिए, आप ऐसा पोरस मीडिया इसका बनाइए जिसमें सैंड की मात्रा आप 60% के करीब रखोगे और नीचे से ड्रेनेज होल अच्छा होगा तो एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टिप आपको फॉलो करनी होगी, आप बिगनर हो तो आप इस तरीके के पॉट का चयन कीजिए जिसमें नीचे में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एक, आप देखिए इसका ड्रेनेज होल ऊपर को है, नीचे स्टैंड टाइप का दिख रहा है, मतलब कि इसको थोड़ा सा नीचे पिलर मिला है, जैसे इन वाले पॉट्स में नहीं है, इसमें आपको उठा के ड्रेन करना होगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा स्पेस देकर ऊपर में ड्रेनेज है, तो इस तरीके जैसे नीचे पाए जिसमें होते हैं उस तरीके का आपको पॉट्स का सिलेक्शन करना होगा अगर आप बिगनर हो। और अगर आपके पास नहीं, आप नॉर्मल पॉट्स में लगाते हो, देन आपको इसको थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट करके मॉनसून के समय में इसका पानी जो एक्सेस अगर मान लीजिए भर जाता है या धीरे धीरे करके सोक करता है, कई बार होता है जब लगातार बारिश होती है तो पानी धीरे धीरे करके, सॉइल वैसे ही नम होती, सोखता जल्दी नहीं है, तो आप उसको टिल्ट भी कर सकते हो। नहीं तो इस तरीके का पॉट चयन करेंगे तो फ्रेंड्स आराम से एक्सेस वाटर जो होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने प्लांट्स को जो स्टैंड्स होता है अगर आप उस पर रख दोगे तो बेहतर होगा, नीचे से जो ड्रेनेज होल होगा वो खुला रहेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप मेरे प्लांट्स की पत्तियों को देख रहे हो, बहुत सारी पत्तियाँ अच्छे से अब खुल गई हैं, कुछ बिल्कुल अभी सिकुड़ी हुई सी हैं। वो ये होता है कि प्लांट जो था वो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मॉनसून के समय में क्या हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए या फिर हमें इसकी पत्तियों को काटना छाटना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी अपने प्लांट्स की पत्तियों को नहीं छाटा है, तो मैं इसी वजह से आपको भी कहूँगी आप मत करिए। देखिए, प्लांट वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी को झेल कर मॉनसून में आता है, तो इसको अच्छे से आप ग्रो करने दीजिए।
पत्तियां निकल रही, जैसे आप ये मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हो, अभी इससे ज्यादा हैवी नंबर में भी फ्लावरिंग होगी। मान लीजिए आपने पत्तियों को तोड़ दिया, तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्लांट होता है फंगस को लेकर बहुत ज्यादा प्रोन होता है। जरा सी भी पत्ती से अगर कहीं ब्रांच आपकी कट गई या कुछ भी जरा सा भी कट लग गया और आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाया, तो आपका जो प्लांट होगा वहीं से रॉट होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी जो कि मेरे साथ हो गया। कई बार हम भी गलतियों से सीखते हैं और मेरे से जो गलती हुई है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मेरा एक ग्राफ्टेड जो अडेनियम का प्लांट है वो खराब हो गया इस बार। फ्रेंड आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे आप कोडेक्स देखिए बिल्कुल टाइट है और बढ़िया है और नीचे से स्प्राउटिंग भी हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और जहाँ से ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है वहाँ से ये खराब हुआ है। खराब होने का रीज़न ये था कि यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था और फंजीसाइड लगाना मैं भूल गई थी, क्योंकि उस समय धूप जो थी वो बहुत तेज़ निकल रही थी, तो मुझे लग रहा था देखिए यहाँ पे फंजीसाइड लगाया था तो ऊपर में न्यू ग्रोथ निकल रही थी, क्योंकि यहाँ से इसमें फंगस लग गया है। तो कभी भी ये गलती ना करिए कि मानसून में अगर बारिश नहीं हो रही है स्पेशली, क्योंकि मैंने ये काम अभी हफ्ते भर पहले ही किया था, और नीचे आप देखिए बहुत सही है, तो मैं इसको कट करके नीचे का जो हिस्सा उसको मैं बचा लूंगी, ऊपर आप ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा तो चला गया तो उस पर कुछ नहीं कर सकते, मैं फंजीसाइड पाउडर लगा दूंगी। तो अगर आप मानसून के समय मान लीजिए धूप निकल रही हो और आपने कोई प्रूनिंग वगैरह कर दी, तो फंजीसाइड पाउडर मस्ट है। मतलब कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट अपने प्लांट को दे रहे हो, कहीं पे फंगस लग गया है, तो आप जिस दिन धूप निकल रही है उस दिन ये वाला काम करिए, प्लस फंजीसाइड का प्रयोग जरूर से जरूर करिए। कोई अल्टरनेटिव मत यूज कीजिए, हल्दी पाउडर ये सब वगैरह फ्रेंड्स इतना ज्यादा काम नहीं करता जब आपके प्लांट में ऑलरेडी फंगस लग गया हो। जब आपके प्लांट सही हो, गर्मी के टाइम में आप ये हल्दी पाउडर यूज कर सकते हो, वैसे आप फंजीसाइड को ही यूज करिएगा। तो ये मेरे से गलती हुई है, तो कभी भी अपने प्लांट को ऐसे कट करके बिल्कुल मत छोड़िए कि वो अगर धूप भी निकली है तो सही हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो काम आपको रिलीजियसली अब मॉनसून के समय में फॉलो करना, हर 15 दिन में इस तरीके से फंजीसाइड पाउडर को आप छिड़क दीजिए, क्योंकि बारिश वैसे भी हो रही है तो पानी में डालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर मॉइस्चर आप दे दोगे, तो जस्ट आप इस तरीके से स्प्रिंकल कर दो। इसके साथ साथ आप इनकी पत्तियों पर भी छिड़क सकते हो, क्योंकि बारिश होती रहती है तो प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें भी किसी भी तरीके का फंगस वगैरह नहीं लगेगा या पेस्ट अटैक वगैरह नहीं होगा। आप देख सकते हो मैंने छिड़क दिया, क्योंकि बारिश हो रही है तो बूंदे पड़ पड़ के ये थोड़ा सा फैल भी गया, लेकिन अंदर जड़ों तक ये बिल्कुल आराम से इसका जो फंजीसाइड पाउडर होगा डाइल्यूट होकर वो चला जाएगा। तो ये काम आपको हर 15 दिन में करना, ताकि आपके प्लांट का कोडेक्स भी अच्छे से बचा रहे, इसके साथ साथ इसमें किसी भी तरीके की फंगस की प्रॉब्लम ना आए। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ मैं और एडिशनल बता दे रही हूँ, जिस दिन लगातार जब भी बारिश हो रही हो तो प्लांट्स को आपको ज़रूर चेक करिए। कई बार इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे बढ़ती हैं और जैसे मूली की तरीके से बढ़ के नीचे ड्रेनेज होल में स्टक हो जाती है, तो पानी उसकी वजह से ऊपर आकर ठहरने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने प्लांट्स को निकाल के फिर से उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी जिस दिन धूप निकली होती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा अगर पानी मान लीजिए अच्छे से नहीं सोख पा रहा तो जस्ट टिल्ट करके एक्स्ट्रा जो वाटर हो उसको निकाल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।